Coachify classes. बेटा, what we have to find is find total EMF and resistance. इस वाले सर्किट में हमें total net EMF बता रहा है और total resistance. EMF होता है electromotive force, ठीक है? अगर बेटा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं यहाँ से गया. ये plus to minus batteries की बात करते हैं. Plus to minus, minus to plus. इसका मतलब इसका EMF और इसका EMF add हो जाएगा. या ऐसे होता ना जैसे हम घर में सेल लगाते हैं ना रेडियो में, तो हम ऐसे लगा देते हैं बेटा, ऐसे ये बेसिकली माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इससे ऐड हो जाता है जी. अब मैं बता रहा हूं, अब अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये दो बैटरी जो है ना, इनका ईएमएफ टोटल जो है वो ऐड ही होगा. तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं बेटा, मैं इस बैटरी को यहां लाता हूं, बैटरी को एक पॉइंट पे लाता हूं. क्यों? क्योंकि याद रखना, बाय चेंजिंग द बैटरी पोजीशन ऑफ बैटरी, नो देयर ऑकर्स नो चेंज. अगर हम बैटरी की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना सर्किट में, कोई भी चेंज ऑकर नहीं हो रहा है. मतलब मैं इस बैटरी को यहां भी ला सकता हूं रेजिस्टर को इसकी पोजीशन पे, या इस बैटरी को यहां पे ला सकता हूं इस पोजीशन, इस रेजिस्टर की उस वाली पोजीशन पे. तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं बेटा? मैं लिख सकता हूं पहले बाय चेंजिंग तो बेटा बाय चेंजिंग द बैटरी पोजीशन विद रेजिस्टर देयर ऑकर्स नो चेंज. मुझे बताइए इस रेजिस्टर और इस बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज कर सकता हूं? मैं इसको यहां ला सकता हूं, इसको यहां ला सकता हूं. सिंपली मैं इसको यहां ला सकता हूं, इसको यहां. इसका मतलब बैटरी को मैं एक ही साइड ला सकता हूं. तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं रेजिस्टर तीन को एक साइड? अब मैं प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, अभी मैंने बता दिया बैटरी जैसे रेडियो में होती है, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, इसका मतलब इनका ऐड हो जाएगा. ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो इनका कितना बन जाएगा बेटा? 12 वोल्ट. ये बैटरी रेजिस्टर सीरीज में है ना, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 4 दैट इज 9 वोल्ट. अब यहां पे प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, इसका मतलब इस वाली बैटरी का ईएमएफ जो है वो क्या, ये 4 वोल्ट है बेटा. तो इस वाली बैटरी इन दो के बीच में ना नेट ईएमएफ आ जाएगा 12 माइनस 4, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है. तो 12 माइनस 4 इज 8 वोल्ट. तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं बेटा, एक ही बैटरी जिसका वोल्टेज 8 वोल्ट और उसके साथ रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस 9 हो. तो इंपॉर्टेंट सर्किट सॉल्व करने के लिए ये है कि आप बैटरी की पोजीशन जो है वो चेंज कर, इंटरचेंज कर सकते हैं विद रेजिस्टर, ठीक है ना बेटा? बेटा हमारे पास ये हार्ड प्रॉब्लम है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच. हमें बताना है करंट हर एक ब्रांच में कितनी है. देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे याद रखना, तो मैं एक तो सॉल्व आराम से हो जाएंगे. अगर ये बेटा 4 वोल्ट है यहां पे, अगर ये वोल्टेज यहां पे नहीं भी गिवन है, मैं इस टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूं. ग्राउंड का मतलब मैं इसका पोटेंशियल जो है वो 0 बनाता हूं. कितना बनाता हूं? 0. तो 0 का मतलब ये वाला टर्मिनल 0 बन गया. अगर ये टर्मिनल 0 बन गया, ये बैटरी ना, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, नेगेटिव का पूरा चार्ज ग्राउंड में चला गया. यहां पे सिर्फ पॉजिटिव प्लेट पे वोल्टेज कितना रहेगा? प्लस 4 वोल्ट. कितना रहेगा? प्लस 4 वोल्ट. इसका मतलब अगर ये 4 वोल्ट ये कंडक्टिंग वायर है ना, तो यहां पे भी कितना बेटा होगा? यहां पे भी 4 वोल्ट होगा. ठीक. अब यहां देखिए बेटा, यहां पे 4 वोल्ट माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, फिर प्लस टू माइनस. अगर इस वाले ब्रांच की बात करता हूं, ये प्लस 4 है ना, यहां पे ये 2 वोल्ट है, बट यहां पे ये प्लस 4 है, यहां पे माइनस 2. माइनस 2 क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे ट्रैवल करता हूं, मैं प्लस टू माइनस जा रहा हूं. समझ आ रहा है? तो इस वाले ब्रांच में बेटा मैं कर सकता हूं ऐसे 4 माइनस 2 दैट्स नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? 2. वही तो करंट देता है ना.
एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R, I होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बेसिकली वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस होता है. अब यहाँ पे 4 वोल्ट यहाँ पे 2 वोल्ट, बट मैं ऐसे ट्रबल करता हूँ तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे एक प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाय जब रेजिस्टेंस करते हैं हमें करंट मिल जाएगी. तो क्या मैं इसको करंट दे सकता हूँ आई वन सपोज, तो ये आई वन बेटा कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर. तो मुझे बताइए बेटा इस वाले ब्रांच में से कितनी करंट फ्लो करेंगे. समझा रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, वो देगी मुझे करंट जितनी यहां पे फ्लो करती है I2, तो वो I2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 12 इज माइनस 8 बाय 4 इज माइनस 4 एम्पीयर. माइनस इंडिकेट करता है बेटा हम अगर ऐसे गए ना इस लूप में ऐसे, बेसिकली करंट ऐसे आ रहे हैं. समझ आ रहा है, तो इसका मतलब करंट जो ऐसे आ रही है दैट इज 4 एम्पीयर. हमें माइनस 4 आया हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं, बट अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूं तो पॉजिटिव आ जाएगा. अब मैं बता रहा हूं यहां से 2 वोल्ट, देखिए यहां से बेटा इस पॉइंट पे 2 वोल्ट सॉरी 2 एम्पीयर, इस वाले से कितनी करंट जा रही है 4 एम्पीयर. ये जंक्शन पे किसी भी करंट ला बेटा एक और टाइम मैंने कुछ काम देख ली थी कि हमें किसी भी पॉइंट पे अभी तक हम देख रहे थे ब्रांच में करंट, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल देख लिया, इस वाले ब्रांच में हम देख लेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है. जैसे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास, हमें बताना है एक्स पे पोटेंशियल कितना है. देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, अगर मैं बेटा इस पॉइंट को ग्राउंड कर देता हूं तो बताइए यहां पे वोल्टेज कितना बनेगा, जीरो बनेगा. और अगर ये जीरो बन रहा है, मैं इस रजिस्टर और इस बैटरी के पोजीशन को चेंज कर सकता हूं ना, क्योंकि देयर इज नो चेंज. अब अगर मैं चेंज कर रहा हूं इसका मतलब यहां पे बेटा सॉरी पक नहीं. तो बेटा हमारे पास ये प्रॉब्लम है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज फाइंड पोटेंशियल एट एक्स, हमें एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. तो मैं यहां फिर से कर सकता हूं बेटा, अगर मैं इस टर्मिनल को जीरो बना रहा हूं ग्राउंड कर रहा हूं तो इसका पोटेंशियल जो है यहां पे कितना बनेगा, जीरो. यहां पे पोटेंशियल जीरो, यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे 4 वोल्ट, और यहां पे पोटेंशियल कितना है हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है कितना एक्स. मैं बता रहा हूं बेटा सपोज इस वाले ब्रांच से करंट सपोज आई वन जा रही है, कितनी आई वन. इस वाले ब्रांच से बेटा करंट कितनी जा रही है सपोज आई, और इस वाले ब्रांच से बेटा करंट कितनी जा रही है I3. तो क्या मैं लिख सकता हूं किसी भी जंक्शन पे टोटल सम ऑफ करंट जो है वो कितना होता है, जीरो. तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं एट पॉइंट x I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो किसके बराबर, जीरो, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ. तो क्या मैं ऐसे बता सकता हूं बेटा एट x I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है बेटा वो किसके बराबर. अब मुझे बताए यहां पे पोटेंशियल कितना, हमें नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है. एक्स मान लेते हैं यहां पे पोटेंशियल एक्स, फिर मैं ऐसे अगर जा रहा हूं प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस यहां पे वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट. मैं एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R, I होता है V / R, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2. तो क्या मैं ऐसे लिखूं एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है 4. तो मैं क्या I1 के बदले लिख सकता हूं दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस. समझ आ रहा है, फिर मुझे बताएं बेटा इस वाले ब्रांच में मैं अगर ऐसे जा रहा हूं यहां पे पोटेंशियल कितना है, यहां पे पोटेंशियल x माइनस, क्योंकि प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय यहां पे रेजिस्टेंस कितनी है 2. समझ आ रहा है, और I3 अगर मुझे कैलकुलेट करना है यहां पे पोटेंशियल x, यहां पे अगर मैं इस रेजिस्टर को यहां लेता हूं बैटरी को यहां, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैं प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो माइनस ही आ जाएगा ना, मैं यहां पे लिखूं प्लस, क्योंकि I3 के बदले मैं लिखूं x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. किसके बराबर बेटा, जीरो के बराबर. तो यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स,
हो गया तो ये पोटेंशियल ऐसे ना न्यूमेरिकल उसमें हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं ठीक है ना बेटा ये खुद कर लिया बेटा हमारे पास सर्किट है हमें क्या फाइंड आउट करना है करंट इन ऑल ब्रांच्स हर एक ब्रांच में करंट देखने हैं देखिए इससे पहले हमने एक पॉइंट पर पोटेंशियल देखना वो वाला क्वेश्चन किया ग्राउंड करते हैं वो वाला क्वेश्चन किया इस वाले पॉइंट में हम ग्राउंड जो है ना ग्राउंड करने से बेटर अगर हम ग्राउंड भी करेंगे तब भी कुछ नहीं होना है यहाँ पे तो बट यहाँ पे इस वाले ऐसे क्वेश्चन में हम एक और प्रोसीजर कर देते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या बेटा ये एक लूप बन रहा है ये वाला लूप अगर मैं इस लूप में ऐसे जाऊं और मैं बता रहा हूँ इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है I1 फ्लो मुझे यही तो I1 चाहिए ना क्योंकि मुझे इस ब्रांच में भी करंट चाहिए इसमें भी करंट वो तो सेम ही होगी इस वाले ब्रांच में करंट और इस वाले ब्रांच में भी करंट चाहिए सिमिलरली मुझे इस वाले ब्रांच में करंट चाहिए मैं इसमें भी लूप लगा दूं किरचॉफ्स कौन सा किरचॉफ्स वोल्टेज ला क्योंकि लूप में लूप ला लगता है और इसमें करंट कितनी बेटा सपोज ठीक है ना अब मैं बता रहा हूँ इन तीन में करंट सेम होगी कितनी I1 और इन वाले तीन में करंट सेम होगी कितनी I2 सिर्फ इस वाले में करंट कितनी होगी देखो अगर ये इस लूप में करंट ऐसे I1 जा रही है ऊपर I2 जा रही है तो इस वाले ब्रांच में I1 माइनस I2 होगा वो हम देख लेंगे बाद में ठीक है तो फिलहाल आप हम क्या करेंगे हम इस वाले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज ला लगा देंगे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं देखिए करंट हम ऐसे जा रहे हैं ना तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव मैं सपोज मान लेता हूं कि करंट ऐसे जा रही है ना I1 करंट ऐसे फ्लो कर रही है और रेजिस्टर में जहां से करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये माइनस ये प्लस और यहां पे करंट ये प्लस ये माइनस ठीक है ना बेटा और इस वाले लूप में अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्योंकि करंट ऐसे जा रही है ना बेटा पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं नंबर देता हूं इसको ए बी सी डी ई एंड एफ तो मैं बता रहा हूं बेटा अप्लाई केवीएल केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई केवीएल इन ए बी सी इस वाले में जरा बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा माइनस कितना करंट I1 फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस 2 ओम I1 इनटू 2 तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस 2 इनटू I1 माइनस टू इंटू I1 फिर माइनस टू प्लस जा रहे हैं और हम वैसे ही ट्रेवल करते हैं माइनस टू प्लस हो रहा है तो प्लस वोल्टेज देते हैं कितना 2 वोल्ट फिर यहाँ पे बेटा प्लस टू माइनस जा रहा है तो माइनस कितना करंट I1 और रेजिस्टेंस 4 तो मैं लिखूं 4 टाइम्स I1 फिर यहाँ पे इस वाले ब्रांच में कहां से कहां जा रहे हैं हम माइनस टू प्लस जा रहे हैं क्योंकि हम लूप में ऐसे जा रहे हैं माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो प्लस वोल्टेज 4 is equal to 0 क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ बता ही रहा है कि टोटल सम ऑफ वोल्टेजेस में लूप किसके बराबर 0 के बराबर है तो ये था यहां पे मैं कर सकता हूं -2i -i1 -4i1 होता है -6 times i1 is equal to 4 plus 2 is 6 plus 6 और वहां से होती कितना -6 बनेगा तो ये माइनस और माइनस कैंसिल मैं लिखूं I1 is equal to 6 divided by 6 and that is equal to 1 एम्पीयर तो इसका मतलब इस वाले लूप में बेटा कितनी करंट फ्लो कर रही है दैट इज 1 एम्पीयर अब मैं यही केवीएल इस वाले लूप में लगा लेता हूं अप्लाई केवीएल इन किस वाले में बी सी ई एफ यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस टू माइनस जा रहे हैं प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस देना कितना रेजिस्टेंस 4 करंट आई मैं लिखू -4 टाइम्स I2 फिर प्लस टू माइनस जा रहा है क्योंकि मैं ऐसे ट्रेवल करता हूं इस वाले ब्रांच में ऐसे अभी तो इससे पहले हम ऐसे ट्रेवल फिर माइनस टू प्लस इसीलिए पॉजिटिव लिया था अब मैं प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो माइनस लेना कितना 4 फिर प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो माइनस कितना रेजिस्टेंस 2 करंट आई तो मैं लिखू 2 टाइम्स I2 फिर यहां से बेटा प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो -6 इसके बराबर 0 के बराबर मैं लिखू -2 I2 -4 ये आ बन जाएगा -6 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 आ जाएगा 10 तो मैं लिखू बेटा I2 जो है I2 वो कितना है वो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 6 बट माइनस टाइम और वो कितना आ जाएगा -5.3 का मतलब ये हुआ हम अगर ट्रैवल हमने मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रही है बट एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो करते हैं इस वाले लूप में समझ आ रहा है और अगर मुझे इस वाले ब्रांच में करंट बतानी है करंट होगी इसमें I1 माइनस I2 समझ
समझ आ रहा है? I1 I से फ्लो करता है, I2 I से फ्लो करता है, ये नहीं करता है। ओके बेटा, चलिए बेटा आप खुद भी प्रैक्टिस कर देंगे इस वाले किरचॉफ लॉ पे, आगे भी हम एच सी वर्मा भी सॉल्व करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू बेटा।